सर शर्मा जी इधर, एक मिनट एक मिनट, मुख्यमंत्री बनो। देवा भद्रम पशुपुष्वाणिकेन्द्र दुरीता पराशुभ यद भद्रम तन्ना शुभ यद भद्रम तन्ना शुभ विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम इस धरा पर अवतरित हुए। वैसे तो कहा जाता है कि ये इन्होंने 21 बार घूम घूम करके क्षत्रियों का विनाश किया, लेकिन ये एक गलत धारणा के अधीन जो है वो कहा जाता है। वास्तव में जो उस वक्त धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और उनमें बड़ा जो वंश था वो क्षत्रियों का था, उनका विनाश करने के लिए भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। उन्होंने सब कुछ त्याग तपस्या कि जो प्रतिमूर्ति हैं वो भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं उनके रूप में जानी जाती है। उनका वर्णन रामायण काल में भी आता है और महाभारत काल में भी ये आता है। रामायण काल में भगवान राम से पूर्व जो है वो भगवान परशुराम जी हुए हैं, और जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि विष्णु जी के सातवें अवतार इस धरा पर अवतरित हो गए हैं, तब उन्होंने जो है वो अपना कार्य जो है वो बंद करके त्याग तपस्या का जीवन जो है वो प्रारंभ किया। और आज तक भगवान परशुराम जी उन देवताओं ईश्वर अवतार में से हैं जो इस धरा पर जन्म लेकर के जो है वो अमृतत्व को प्राप्त कर चुके हैं। इस दृष्टि से महाभारत काल में भी उनका जो है बहुत बड़ा योगदान जो है वो धर्म को बचाने के लिए रहा है, और हम समझते हैं कि संपूर्ण मानव जाति जब तक रहेगी तब तक भगवान परशुराम जी का जो विचार है, जो उनके कार्य हैं, जो उनकी त्याग और तपस्या की भावना है, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के जो है वो आम जन जो काम किया उन्होंने, वो देव जो है वो इस धरा पर स्मरण किया जाए।